बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, सुजुकी मेहरान। एक्सीडेंट गाड़ी आई है, आप देख सकते हैं मैं उसके अंदर ही बैठा हूँ। ना उसकी विंड स्क्रीन है, ये पिलर भी सारे ख़राब हो चुके हुए हैं और काफ़ी शदीद एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह आपको इस प्रोजेक्ट का ज़रूर मज़ा आएगा। और ये गाड़ी हम तैयार करेंगे और जो एक्सीडेंटेड है इसको रिपेयर करेंगे और जो पार्ट रिप्लेस होने वाले हैं वो रिप्लेस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि नई आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये हमारे पास सुजुकी मेहरान आई है, ये गाड़ी एक्सीडेंट है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी लेफ़्ट साइड टोटल एक्सीडेंटेड है, ये इसकी लेफ़्ट साइड देखें, ये डैमेज हो गई है। मेरा ख्याल है इसके साथ ना ये किसी चीज़ के नीचे लग घुसी है। ये इसका फेंडर देख लें, बिल्कुल प्रेस हो चुका हुआ है और इसकी पिलर सारा ख़राब हो गया, दरवाज़ा सारा डैमेज हो गया, शीशे वगैरह टूट गए इसके सारे। काफ़ी जो है ना शदीद एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी का। तो ये हमारे पास आई है रिपेयरिंग के लिए। ये देखें, ये इसका फेंडर है, पूरा फिस गया ऊपर से, फ्लैट हो गया। इसकी ये ऊपर वाली जो इसकी चेसिस होती है, फ्रेम है इसका ऊपर वाला, इसकी वाइपर शील्ड जिसे कहते हैं, ये जगह भी सारी ख़राब हो गई है। ये देखें, बिल्कुल जो है ना अंदर घुस गई है। अभी इसे रिपेयर करेंगे और ये बड़ी महारत वाला काम है इसे रिपेयर करना, ठीक है। ये पिलर इसका नया डलेगा, ये पिलर तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ये रिपेयर नहीं हो सकता अब। तो ये पिलर यहाँ से काट के तो ये नया ला कर डालेंगे, इसे पहले खींचेंगे, इसे सेट करेंगे। फिर ये दरवाज़ा इसका देख लें, दरवाज़ा भी इसका सारा ख़राब हो गया। ये जगह देखें, यहाँ से बिल्कुल बैठ गया, इसका गज़ तो बिल्कुल ही प्रेस हो गया ना। ये देखें, बिल्कुल इसकी शक्ल ही चेंज हो गई, पता नहीं चल रहा कि ये इसी गाड़ी का है। फिर ये शीशे टूट गए हैं, पिछला दरवाज़ा देखें, ये सारा ख़राब हो गया ऊपर से, ठीक है। ये दरवाज़ा तो खैर रिपेयर हो जाएगा, ये दरवाज़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा ये सेंटर पिलर इसका देख लें, बी पिलर, ये अभी दरवाज़ा आपको उतार के दिखाता हूँ। ये लो, ये दरवाज़ा उतर गया, ये सारा जो है ना बुरी हालत में इसका ख़राब हो गया, शेप सारी इसकी ख़राब हो गई है, ये दरवाज़ा चेंज करना पड़ेगा। ये देखें, अभी आपको इसका पिलर दिखा देता हूँ, ये पिलर देखने वाला है। ये देखें, ये बिल्कुल सीधा होता है और ये इसके ऊपर कितने ज़्यादा जाना डेंट पड़ गए, और ये जगह बंद होती है, इसको रिपेयर करना भी बड़ा मुश्किल काम है। और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे और अच्छे तरीके से इसको रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये काम किया जाता है। ये जगह सारी ऐसे बैठ गई है नीचे, या आप ये छत अगर देखें वो पीछे से ऊंची है दूसरा कोना और ये कोना बैठ गया हुआ है। अब इसको यहाँ से बांध के तो इसे उठाएंगे ऊपर की तरफ, आगे को खींचेंगे और ऊपर की तरफ उठाएंगे, पीछे आ गई है गाड़ी, ये वट पड़ गए हुए हैं सारे ना। तो ये जगह इसकी सारी ख़राब हो गई, शीशे इसके नए डलेंगे। और ये इस काम के लिए हमारे पास ये आई है सुजुकी मेहरान, मेरा ख्याल है 12-13 मॉडल की गाड़ी होगी और इसका ये काम हो रहा है अभी। तो अगर आप भी अपनी किसी गाड़ी का काम करवाना चाहते हैं तो हमारी वर्कशॉप पे विज़िट कर सकते हैं, हमारी वर्कशॉप जेल रोड लाहौर में। वर्कशॉप का फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास डेंटिंग पेंटिंग और मैकेनिकल काम की जाती हैं, एक्सीडेंट गाड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। आगे हमने इससे पहले अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा गाड़ियों की जो है वीडियोज़ अपलोड की हैं, एक्सीडेंट गाड़ियों की, जिसमें करोला है, होंडा है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ। आप चैनल विज़िट करें और जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, गाड़ी का काम शुरू कर दिया हुआ है, ये देखें अभी इसका ये पुराना शीशा निकाला है जो टूटा हुआ था, ये नीचे से, ये देखें, ये तो इसके ऊपर पेपर लगा हुआ था तो ये बच गया है, ये इस तरह से जो है ना इकट्ठा जुड़ा रहा है। अगर ये पेपर ना लगा होता तो ये सारा ये चूर चूर हो गई उतरना था, बचत हो गई है जी। सफाई जो है ना करनी अब आसान है, ये शीशा उतर के इसको फेंकेंगे। ये बड़ा ख़तरनाक होता है, हल्का सा भी जो है ना कहीं पर भी आपको हाथ पर लग सकता है, तो ये बड़े एहतियात से इसे करना पड़ता है। उसके अलावा ये पिलर इसका नया लेकर आए हैं बिलालगंज से, ये देखें जेन्युइन, ठीक है, ये इसका पिलर, ये देखें। तो ये पिलर इसको लगाएंगे, खैर पूरा तो नहीं काटेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतना पीस काटेंगे इसमें से। और ये ऊपर वाला हिस्सा तो ठीक है इसका, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, ये जहाँ जहाँ तक ठीक है तकरीबन यहाँ तक ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे, नीचे वाला हिस्सा उतार देंगे, ये यहाँ से काट के ये नया पीस लगा देंगे यहाँ पर सारा। उसके अलावा इसका डैशबोर्ड हमें सारा खोलना पड़ेगा ये करने के लिए। ये डैशबोर्ड के ऊपर भी आप देखें यहाँ ये सारा ना इसके ऊपर ये इस तरह से हो गया हुआ है, प्रेशर पड़ा तो ये दब गया यहाँ से, इसकी शेप ख़राब हो गई है। तो अभी मैं आपको बता रहा था इसका काम शुरू किया और ये डैशबोर्ड हमने इसका खोल लिया, ठीक है। डैशबोर्ड इसलिए खोला है
क्योंकि ये साइड इसकी लगी हुई थी, तो ये डैशबोर्ड खुलने के बाद ये सही होनी थी, तो इसलिए अभी सारा डैशबोर्ड खोला है। इसका ना तरीका का रही है डैशबोर्ड खोलने का, मेहरान का बड़ा इजी है। एक दो तीन, एक वो चार और एक ये पाँच, ये मेन जो इसके है ना पेज, ये खोल लें। एक यहाँ पे लगा होता है ये वाला, एक ये वाला खोल लें, एक यहाँ पे लगा होता है ये खोल लें, ठीक है। इससे ये है ना डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा। फिर उसके बाद इसके ये निकाल लें यहाँ से, ठीक है, ये तारें जो हैं इनको खोल लें। फिर इसका ये स्टेयरिंग लूज़ करें यहाँ से, चक्का उतार के इसको नीचे कर लें। इसके मीटर खोलें, मीटर के ग्रिप सारे निकाल लें बाहर। इस तरह ना ये आपका सारा बाहर आ जाता है, इसके जितने भी ग्रिप है ना वायरिंग का ये सारे खोल लेते हैं, तो फिर उसे आपका ये सारा इजीली बाहर आ जाता है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड इसका हमने खोल लिया था, ये सारा भी चीज़ें वापस लगा दी हैं ताकि गाड़ी जो है ना रनिंग कंडीशन में ही रहे, कभी आगे पीछे करनी पड़ जाए तो ईजिली आगे पीछे मूवेबल हो। तो ये स्टेयरिंग इसलिए वापस यहाँ फिट किया। अभी इसकी स्क्रीन भी टूटी हुई है ऑब्वियसली, वो भी डलेगी, और अब ये जो है ना इसका काम शुरू करने लगे हैं। ये जगह बैठी हुई है तो इधर अब लगाएंगे जैक, यहाँ से जैक लगा के नीचे लगा के इसे जो है ना पुल करेंगे, तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। ये जगह अंदर गई हुई है, ये भी बाहर की तरफ आएगी, तो इस तरह ये अब काम शुरू कर रहे हैं इसका। और अभी आपको मैंने इसके शॉर्ट्स दिखाए हैं, इसकी डेंटिंग हमने शुरू की हुई थी, तो ये पिलर हमने पुराना इसका काट के उतार दिया, यहाँ से काटा था पुराना वाला, और यहाँ से सारा ख़राब हो चुका था पूरा उतार दिया हुआ है। और ये वाला जो है पिलर, ये हमने इसका बिलालगंज से लिया था। तो अब आप देख सकते हैं इसका ये दरवाज़ा भी ब्रांड न्यू लेके आए थे, तो वो भी इसके ऊपर लगा के इसकी सेटिंग वगैरह हो रही है अभी, इसकी ना दर्ज वगैरह सेट कर रहे हैं। और उसके अलावा आपको दिखाऊँ इसका जो बी पिलर था, सेंटर पिलर ये वाला, ये भी सारा प्रेस हो चुका था, इसे भी अभी पुल किया है। अभी मज़ीद इसमें जो है ना बेहतरी आएगी, अभी आपको ये लग रहा होगा बड़ा अजीबोगरीब किस्म का, लेकिन जब ये सही करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा जिस तरह होता है ये ओरिजिनल। फिर उसके अलावा ये देखें, इसके भी डेंट निकाल लें, इसका जो दरवाज़ों के गज होते हैं इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डेंट थे और ये टेढ़ा हो चुका था, तो इसे भी सीधा किया है। और ये इसका पिछला दरवाज़ा है,
लेफ्ट साइड का, यहाँ पर बहुत बड़ा डेंट था इस जगह पे, बिल्कुल अंदर ना से प्रेस हो चुका हुआ था, लाइन इसकी बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो इसकी भी डेंटिंग की है, ठीक है। उसके अलावा ये अंदर से देख सकते हैं आप गाड़ी के, डैशबोर्ड खोला था और यहाँ पर हमने ये जैक लगाया हुआ है, क्योंकि ये जगह जब एक्सीडेंट हो गया गाड़ी ये आगे से पीछे की तरफ हिट हुई है, एक तो ये आगे आ गई थी, दूसरा ये प्रेस हो चुकी हुई थी यहाँ पे, तो वो जैक लगा के इसे, तो इसे हमने खोला है, इसकी एक्चुअल पोजिशन पर इसे लेके आए हैं। फिर ये वाली जो इसकी शील्ड है, ये शील्ड यहाँ पर देख लें, ये भी सारी प्रेस हो चुकी थी, ठीक है, इसकी भी डेंटिंग की है। अभी ये बोनट की थोड़ी सी रह गई, यहाँ से डेंटिंग इसी भी करेंगे, ये देख सकते हैं सारे इसके जो है ना स्पॉट लगाए हैं। फिर अब ये पिलर जो है ये नया लेकर आए थे, इसकी भी सेटिंग की है सारी, उसके हिसाब से इसको काट गई, इसके यहाँ पे देख सकते हैं आपको टांके लगाए हैं, यहाँ पे ये सारे इसको टांके लगाए हैं, अब इसकी सेटिंग हो रही है यहाँ पर, अभी लगने हैं इस जगह पे, और नीचे से भी देखें तो यहाँ पर भी अभी टांके लगाए हैं, अब इसको सेट करेंगे बिल्कुल, जब इसकी लाइन्स एक जैसी हो जाएंगी, एग्जैक्ट अपनी पोजिशन पर आ जाएंगी, तो फिर इसे जो है ना पूरा पक्का वाला वेल्डिंग कर देंगे, फिर इसे ग्राइंडर से ग्राइंड करके इसकी सरफेस ऊपर से बिल्कुल स्मूथ कर देंगे, और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि गाड़ी कभी ये लगी भी थी या नहीं, इस गाड़ी एक्सीडेंट का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, इसी तरह ही लगेगा जैसे गाड़ी ओरिजिनल ही है। अभी आपको मैं इसके अंदर वाली साइड दिखाता हूँ, क्योंकि जो पिलर हैं मेहरान के आपको पता है, और एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ, तो जो ये जापानी मेहरान का दरवाज़ा है, इसका पिलर है सॉरी, जो आती है जैपनीज, इसके अंदर तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक ऊपर वाली, एक अंदर वाली, एक इसके दरमियान में एक लेयर होती है, लेकिन जो पाकिस्तानी है जैसे इसका वो वाला पिलर है, इसके अंदर सिर्फ दो ही होती हैं, एक बाहर वाली और एक ऊपर वाली, इसके बीच में मजबूती के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आपको गाड़ी के अंदर ले आया हूँ, और यहाँ पर इसका ये पिलर देखें, इसके ऊपर ये डेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें इसकी डेंटिंग हमने की है अभी, ये सारे यहाँ पिलर इसके यहाँ से ख़राब हो चुके थे, इसकी सारी डेंटिंग की है, ये देखें अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है, और ये अंदर वाली जगह भी सारी ख़राब हो चुकी थी, इसकी भी डेंटिंग की गई है, और इसे भी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारी वर्कशॉप जेएल रोड लाहौर में है, वर्कशॉप का फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर आप हमारे साथ रابطہ कर सकते हैं, हमारे पास डेंटिंग पेंटिंग और मैकेनिकल काम किए जाते हैं गाड़ियों के। अस्सलाम वालेकुम, तो दोस्तों फाइनली गाड़ी पेंट हो चुकी है, ये देख लें ये इसकी शील्ड तैयार हो गई है सारी, ये जगह सारी पेंट की है, ठीक है, ये शील्ड इतनी ना हाफ हाफ पेंट की है, बाकी सारी ओरिजिनल कलर में ही है, आधी पेंट की है। उसके अलावा ये देख लें ये पिलर इसका सारा डैमेज था, ये यहाँ से हमने काटा इसको, नीचे से यहाँ से काटा, और ये नया पिलर इसके अंदर फिट किया है, और बिल्कुल ये जेन्युइन की जैसा ही है, ये देखें इसके स्पॉट जेन्युइन उसी तरह नज़र आएंगे, यहाँ पर भी उसी तरह इसके ओरिजिनल स्पॉट नज़र आएंगे, गाड़ी कहीं से पकड़ी नहीं जाएगी, बेफिक्र हो जाए इस तरह से, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसका पिलर चेंज भी किया हुआ है या नहीं, और पेंट भी ज़बरदस्त किस्म का किया है, पेंट मैचिंग आप चेक करें 19-20 का भी फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा इसमें। उसके अलावा ये दूसरा पिलर देख लें, बी पिलर, ये भी सारा प्रेस हो चुका था, इसकी पुरानी फ़ोटो देखें आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, और आप देखें ज़रा ये किस तरह का तैयार हुआ है, इसके भी स्पॉट वगैरह जो है ना वो ओरिजिनल ही रखे, इनको ज़रा सा भी ख़राब नहीं होने दिया हमने, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह का काम किया गया। फिर ये जो दरवाज़ा है इसका, इसके गज यहाँ से ख़राब हो गए थे, ठीक है, इसके ऊपर डेंट पड़ गए थे, उससे भी हमने तैयार किया है, और इसी तरह लग रहा है कि जैसे ओरिजिनल ही है, ये दरवाज़ा हमने आधा पेंट किया ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये लाइन से ऊपर ऊपर पेंट किया, नीचे से ओरिजिनल कलर में है, और इसकी भी ग्राउंड चेक कर लें, ये जगह इसकी फिस गई हुई थी सारी, ये जगह बिल्कुल बैठ गई थी, डैमेज हो गई थी सारी, तो इसे भी हमने तैयार किया, इसकी लाइन चेक करें कितनी एग्जैक्ट बनी है। फिर इसकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये आधा दरवाज़ा पेंट किया, नीचे से ओरिजिनल कलर में ही है, इसमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं आ रहा नज़र, ठीक है, अभी इसकी कंपाउंड पॉलिश होनी है, अभी वो तो फ्रेश पेंट लगा है, तो इसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा फिर इसे कंपाउंड पॉलिश करेंगे और इसकी शाइन निकल आएगी। फिर इसी तरह इसका ये पिलर है, इसका पिलर भी पेंट किया गया यहाँ तक, ठीक है, अंदर वाली साइड भी इसी तरह सारी पेंट की है, अंदर वाला पिलर अंदर से पेंट किया गया,
तो ये सारी इस तरह गाड़ी तैयार की है हमने। तो कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि किस तरह का काम किया, और ये भी बताना है कि गाड़ी पकड़ी जाएगी या नहीं पकड़ी जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी तैयार हुई है, कहीं से भी नहीं पकड़ी जा सकती जिस तरह का इसके ऊपर काम किया गया। और ये दरवाज़ा इसका हमने ब्रांड न्यू डाला, और ये फेंडर भी इसका नया डाला था। इसका सामान आजकल जो है ना काफ़ी शॉर्ट है, मार्केट में सामान मिलता नहीं है, तो इसलिए जो जो मिला है, दरवाज़ा तो इसका जेन्युइन मिल गया था और फेंडर भी इसका ये मिला है। तो ये फेंडर भी पेंट होना है इसका, दरवाज़ा इसका पेंट हो चुका हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये जनाब दरवाज़ा पड़ा हुआ है मेहरान का, ये देख सकते हैं पेंट हो गया है, इसको अभी ड्राई होने के लिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है। और जैसे इसका पेंट ड्राई होगा इसे गाड़ी के ऊपर फिट करेंगे और इसे कंपाउंड पॉलिश स्टार्ट कर देंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों फाइनली सुजुकी मेहरान तैयार हो चुकी है। ये गाड़ी एक्सीडेंट थी, ये पिलर वगैरह इसका सारा नया डाला है, ये इसका फेंडर और इसका दरवाज़ा ये नया डाला है। तो ये गाड़ी एक्सीडेंट थी तो इसे हमने रिपेयर किया, अभी आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। इसकी कलर मैचिंग वगैरह आप चेक करें, ये देखें 19-20 का भी फ़र्क आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। ये बोनेट हमने आधा पेंट किया, ये आधा भी नहीं, ऊपर वाला सिर्फ कॉर्नर इसका पेंट किया, ठीक है, बाकी सारा बोनेट ओरिजिनल कलर में ही है। इसका फेंडर देख लें, फेंडर इसका नया डला है, ये दरवाज़ा भी इसका नया डला है ब्रांड न्यू, और साइड मिरर और शीशे भी इसके टूट गए थे दोनों दरवाज़ों के, वो भी नए डले हैं। छाती इसकी हमने बचा दी थी, ये ओरिजिनल कलर में ही है, सिर्फ ये पिलर जो है ना ये भी हाफ पेंट हुआ है, सारा पिलर पेंट नहीं हुआ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये दरवाज़ा चेक करें, इसमें ये देख सकते हैं, इसमें पर्ल देखें, इसका कलर वगैरह चेक करें, बेहतरीन है। 19-20 का भी फ़र्क इसमें आपको नज़र नहीं आएगा कहीं पे। ये लाइंस देख लें, ठीक है, और ये वाला दरवाज़ा जो है ना ये हाफ़ पेंट किया गया है, ये लाइंस है ऊपर ऊपर, और बाकी नीचे वाला जो है ना इसका ओरिजिनल कलर में ही है। इसमें भी आप फ़र्क देख सकते हैं, 19-20 का भी आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, कलर का सेम है बिल्कुल। और ये ऊपर से इसके गज़ वगैरह पेंट हुए हैं, और ये गाड़ी जो है तैयार हो गई है, और अब ये गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं, इसे चला के चेक करेंगे। इसकी जो है इसका स्टीयरिंग टेढ़ा था, इसका स्टीयरिंग खोला हुआ था, तो वो स्टीयरिंग सीधा करके इसे फिट करना है, और बाकी ये गाड़ी जो है ना जाने के लिए तैयार है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि गाड़ी कैसी तैयार हुई है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और न्यू है चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लिया करें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह जी एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जनाब मेरे साथ गाड़ी के ऑनर मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे गाड़ी किस तरह की तैयार हुई है, बता दें जी। माशाल्लाह से गाड़ी बहुत प्रोफेशनल, सेटिस्फेक्शन हो गई है ना आप? 100% है। कलर मैचिंग में कहीं पे कोई फ़र्क तो नहीं आया? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा हमें। आप अगर आपने हमने जो काम किया है, अगर आप डे लाइट में भी देखते हैं, अगर कहीं पर भी आपको नज़र आता कि यार ये चीज़ सही नहीं हुई, यहाँ कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, तो आप किसी भी टाइम लेके हैं हमारे पास? नहीं, अभी तक तो माशाल्लाह काम बहुत अच्छा है, और क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ मैं इनकी सर्विस से, क्योंकि जितना इन लोगों ने बजट बताया था उससे कम ही में माशाल्लाह से चीज़ें तकरीबन अभी ओरिजिनल जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मार्केट से के हिसाब से, उसके हिसाब से इन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेटिंग करके दी है। और आई होप कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम भी इनके पास आता रहूँगा, अल्लाह के ना ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो इधर ही थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।